आचरण है। तो यहाँ पर बच्चों सताम सज्जनानाम आचार सदाचार ये जना सदैव विचारयन्ति सदैव आचरन्ति च ते एव सज्जना भवन्ति, है ना। तो पहले हम संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक कक्षा 9 हिंदी के संस्कृत खंड के सदाचार नामक पाठ से लिया गया है। मानव जीवन में सदाचार के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लेखक ने लिखा है कि, अब आगे हम जो है हिंदी अनुवाद डाल देंगे, है ना। तो हिंदी अनुवाद में ये डालेंगे सताम सज्जनानाम आचार सदाचार, सज्जनों का आचरण ही सदाचार है। ये जना सदैव विचारयन्ति सदैव आचरन्ति च ते एव सज्जना भवन्ति, जो मनुष्य अच्छा ही विचार करते हैं, अच्छा ही बोलते हैं और अच्छा ही आचरण करते हैं वे ही सज्जन होते हैं, है ना। सज्जना यथा आचरन्ति तथा वो आचरणम सदाचारा भवति, सज्जन जैसा आचरण करते हैं वैसा ही आचरण सदाचार होता है, है। सदाचारेणैव सज्जना स्वकीयानि इंद्रियाणि वशीकृत्वा सर्वैः सह शिष्टं व्यवहारं कुर्वन्ति, सदाचार से ही सज्जन अपनी इंद्रियों को वश में करके सबके साथ शिष्ट व्यवहार करते हैं, सबके साथ विनम्रता का व्यवहार करते हैं। अब हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ाएंगे। विनय ही मनुष्याणां भूषणम, विनयशीला जना सर्वेषां जनानां प्रिया भवति, विनया सदाचारात् उद्भवति, सदाचारात् न केवलं विनया अपितु विविधा अन्यो अपि सद्गुणा विकसन्ति यथा धैर्यं दाक्षिण्यं संयमः आत्मविश्वासः निर्भीकता, है ना। तो अब एक अर्थ पहले इतना देख लो। विनय ही मनुष्याणां भूषणम यानी विनम्रता, पोलाइटनेस, विनम्रता ही सज्जनों का आभूषण है। इसके बाद विनयशीला जना सर्वेषां जनानां प्रिया भवत, विनम्र स्वभाव वाला व्यक्ति सब मनुष्यों को प्रिय होता है, है। और विनय सदाचारात् उद्भवति, और विनम्रता अच्छे आचरण से उत्पन्न होती है। सदाचारात् न केवलं विनय अपितु विविधा अन्य अपि सद्गुणा विकसन्ति यथा धैर्यम दाक्षिण्यम संयमा आत्मविश्वास निर्भीकता, अच्छे आचरण से, है ना। सदाचारात् माने अच्छे आचरण से न केवल विनम्रता वरन अन्य विविध गुण भी विकसित होते हैं यथा धैर्यम दाक्षिण्यम संयम, जैसे धीरता, है ना। और दाक्षिण्यम माने क्या होता है, चतुरता, और संयमा माने संयम आत्मविश्वास निर्भीकता, निर्भीकता यानी निडरता, हमारे अंदर निडरता भी उत्पन्न होती है। इसके बाद अस्माकं भारत भूमे प्रतिष्ठा जगति सदाचारात् एव आसीत, हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा, हमारी भारत भूमि की सम्मान है, रिस्पेक्ट, है ना। हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा संसार में सदाचार से ही थी, है ना। और पृथिव्याम सर्व मानवा स्वं स्वं चरित्रम भारतस्य सदाचार परायणात् जनात् शिक्षेरन, पृथ्वी पर सब मनुष्य भारत के सदाचार परायण पुरुषों से ही अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करते थे। भारत भूमि अनेकेषां सदाचारिणां पुरुषां जननीं पुरुषाणां जननी, भारत भूमि अनेक सदाचारी पुरुषों की जननी है, है ना। एतेषां महापुरुषाणां आचारा अनुकरणीय, इन महापुरुषों का आचरण अनुकरणीय है, इन महापुरुषों का आचरण अनुकरणीय है। अब इसके बाद बच्चों तीसरा पैराग्राफ पढ़ाएंगे। सदाचारा नाम नियम संयमो पालनम विनय, है ना। यहाँ पर लिखेंगे नियम, सदाचार नियम और संयम का पालन ही सदाचार है। इंद्रिय संयम सदाचारस्य मूले तिष्ठति, इंद्रियों का संयम ही सदाचार के मूल में रहता है। इंद्रियों का संयम माने इंद्रियों को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, है ना। और इसके बाद इंद्रिय संयम युक्ताहार विहारेण युक्ता युक्त स्वप्राव बोधेन च संभवति, इंद्रिय संयम
उपयुक्त आहार विहार से तथा उचित निद्रा और जागरण से ही संभव होता है। अच्छा सो, समय से सोओ, समय से जागो, तब सदाचार कहलाता है। हैं किम युक्तम किम अयुक्तम इति सदाचारेण सदाचारेण निर्णयितुं शक्यते, है ना। क्या उचित है और क्या अनुचित है इसका निर्णय सदाचार से ही हो सकता है। अब इसके बाद बच्चों अगला पैराग्राफ देखिए। ये के अपि पुरुषाः महान्ताः अभवन् ते संयमेन सदाचारेणैव उन्नतिगताः। जो कोई भी पुरुष महान हुए हैं वे संयम और सदाचार से ही उन्नत को प्राप्त हुए हैं। और इसके बाद यह जनः नियमेन अधीते यथा समयम सेते जागृति खाद्रति खादत पिबति च सह निश्चयेन अभ्युदयम गच्छति। जो व्यक्ति नियम से पढ़ता है, यथा समय सोता है, जागता है, खाता है और पीता है, वह निश्चय ही उन्नति को प्राप्त होता है, है ना। और फिर इसके बाद सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णितः। सदाचार की महिमा शास्त्रों में भी वर्णित है। अब यहाँ पर हम इस श्लोक का अर्थ पढ़ाएंगे। इस श्लोक देखिए। सर्वलक्षणहीनो अपि यः सदाचारवान् नरः श्रद्धालुर्नन सूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। आचारालभते ह्याचारालभते श्रियं आचारालभते कीर्तिम आचारा परमं धनम। यहाँ पर बच्चों इसका अर्थ ये होगा, बड़े ध्यान से देख लीजिए, है ना। सब लक्षणों से रहित होने पर भी जो पुरुष सदाचारी श्रद्धालु एवं निंदा रहित होता है वह 100 वर्षों तक जीता है। निश्चय ही, अब आगे देखिए, आचारालभते ह्याचारालभते श्रियं आचारालभते कीर्तिम आचारा परमं धनम, है। निश्चय ही मनुष्य सदाचार से दीर्घ आयु प्राप्त करता है, लंबी उम्र प्राप्त करता है, सदाचार से लक्ष्मी प्राप्त करता है, सदाचार से यश लाभ प्राप्त करता है। सदाचार श्रेष्ठ धन है। अतएव सदाचार सर्वथा रक्षणीय। महाभारते अपि सत्यम एव उक्तिम यतस्माभि सदा चरित्रस्य रक्षा कार्य धनम तु आयात यात चा चरित्रम यदि नष्टम स्यात् तर्हि सर्व विनिष्टिम भवति। कहने का मतलब है कि अतएव सदाचार सर्वथा रक्षणीय, अतएव सदाचार सब प्रकार से रक्षा करने योग्य है। महाभारत में भी सत्य भी कहा गया है कि यदि हमें सदा चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, सदैव चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, यदि चरित्र नष्ट हो गया है तो सर्वस्व नष्ट हो जाता है। इसलिए बच्चों देखो लिखा है, यदि चरित्र से रक्षा कार्य धनम तु आयात यात चा चरित्रम यदि नष्टम स्यात् तर्हि सर्वं विनिष्टिम भवति। सदा चरित्र, है ना, लिखा है सदा चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, अभी हमने बताया। यदि चरित्र नष्ट हो गया तो समझो सब कुछ नष्ट हो गया। व्रतम यत्ने संरक्षेत वित्तमायात यात चा अछीणो वित्तता छीणो व्रतस्तु हतो हतः। इसलिए इसका अर्थ बताया कि चरित्र की, व्रत माने चरित्र की, है ना, व्रतम यत्नेन संरक्षेत चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम यानी धन, धन तो आता है और चला जाता है। धन के छीण होने पर, धन के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता, लेकिन अगर चरित्र बर्बाद हो जाता है तो सब कुछ समझो बर्बाद हो जाता है। धन्यवाद बच्चों, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कमेंट कर देना। और जो है, हम सबके मम्मी पापा से कहते हैं कि वो अपने बच्चों को मोबाइल दे दिया करें, है। आज जो है, आज डिजिटल इंडिया है, बच्चे को मोबाइल नहीं दोगे तो कैसे पढ़ेगा, हमारा चैनल कैसे देखेगा। धन्यवाद। और मम्मी बड़ी दयालु होती हैं, मम्मी अपने बच्चों को बहुत सपोर्ट करती हैं, उनको मोबाइल दे देना चाहिए। धन्यवाद।